हेलो माय डियर ऑल। सो आज हम आपके सामने एमसीक्यू सेशन ऑफ यूनिट 1 नोइंग आवर नंबर्स और इसमें हम 10 क्वेश्चंस लेंगे। सो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको पता ही होगा। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3, 1 एंड 0। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 3, 1 एंड 0। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बनाते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, बड़े से छोटा, और जो नंबर सबसे लास्ट में उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन को हमको यहाँ देखना है, ऑप्शन की मैंने तो आप ऑप्शन को देखिए, 30,001, 10,003, 31,000 और 13,000। सो आंसर आपका 31,000 होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस गिवन थे, तो आप ऑप्शन को देख के आंसर लगाएंगे। ठीक है, आप इससे सबसे बड़ा नंबर बनाने के चक्कर मत पड़िएगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन को देखिएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है 5 डिजिट नंबर, दैट विल बी द आंसर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 9102305 इज। 2 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है इस नंबर में। सो जो नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू बतानी है उसको आप सर्किल कर लीजिए, ये हो गया 2। ठीक, तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 लिख देना है और उसके आगे जितनी प्लेस है उतने आप जीरो लगा दिए, 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा 2000। सो इसका आंसर हो गया ए, दैट इज 2000। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो गई, 2000। अगर यहाँ पूछते फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर होता है वही आपकी फेस वैल्यू होती है, 2 की फेस वैल्यू 2 हो जाएगी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लैक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ मिलियन। सो आपको पता ही है जो इंडियन सिस्टम की टेबल होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, ये होती है। इंटरनेशनल सिस्टम की क्या होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। सो आप देख सकते हैं 10 लैक्स जो आपका इंडियन सिस्टम में था वो 1 मिलियन के बराबर है इंटरनेशनल सिस्टम में। सो 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है, 10 लैक्स। दिस इज द आंसर। सो द नंबर ऑफ लैक्स मेक अप मिलियन, दैट इज 10 लैक्स। 10 लाख को मिलाएंगे तब 1 मिलियन आपका बनेगा। सो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ सिंबल्स रिक्वायर्ड यूज इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स एक लैंग्वेज होती है जिससे आप नंबर्स को शो करते हैं। सो देखते हैं हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। सबसे पहला होता है आई एक्स, आई वी एक्स, फिर एल सी डी एम, इतने सिंबल्स होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स कितने होते हैं, यहाँ पे 7 होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कौन से क्वेश्चन। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सक्सेसर से रिलेटेड। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। सक्सेसर और प्रेडिसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। सक्सेसर, सक्सेस मतलब आपको जो सक्सेस है वो पढ़ाई करने के बाद मिलती है, यानी कोई भी काम जो बाद होता है दैट इज ऑल्सो सक्सेस। सो यहाँ पर सक्सेसर मीन्स होता है afterwards, so plus one, किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है तो आपको क्या करना है, प्लस वन करना है, क्योंकि सक्सेस हमेशा बाद में मिलती है। predecessor, predecessor मतलब होता है प्री, मतलब प्रीवियस, मतलब पहले का, तो पहला मतलब माइनस वन और सक्सेस मतलब प्लस वन। तो सिंपल टॉपिक है, सक्सेसर ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज द डैश 5 डिजिट नंबर। ठीक है, सो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का सक्सेसर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्योंकि देखिए 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा 9999, 4 times 9, तो उसमें जब प्लस 1 करेंगे तो 1 के आगे 5 4 जीरोस लग जाएंगे। ठीक है, दैट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ द टू प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन 570076 इज। सो 7 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना। सो देख सकते हैं एक आपकी प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरी इज 7 की, तो यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ये आपका हो जाएगा 70,000 माइनस 70। सो कैलकुलेट कर सकते हैं 70,000 माइनस 70, तो 70,000 में से 70 गया तो 0 माइनस 0, ये हो गया आपका 0। ठीक है, 10 में से 7 गया, बचा 3, यहां बचेगा 9, 9 और 6, 9, 9 और 6, सो 69,930 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू इज कॉल्ड।
प्लेस वैल्यू के हिसाब से जो हम लोग नंबर्स लिखते हैं, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था क्वेश्चन, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमरेशन सिस्टम। और दो तरह के न्यूमरेशन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये हो जाएगा न्यूमरेशन सिस्टम। नाउ 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, हम लोग न्यूमरेशन सिस्टम से ही चेक कर सकते हैं 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। सो देखेंगे सबसे पहले इंडियन सिस्टम, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। अब देखते हैं कितने मिलियन। सो इंटरनेशनल सिस्टम की टेबल लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। सो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 1 करोड़ में आपके 10 मिलियन होते हैं। ओके, हाउ मेनी मिलियंस आर देयर इन 1 करोड़, 10 मिलियंस। नेक्स्ट यू हैव टू राइट दिस इन रोमन न्यूमरल्स, ये रोमन में लिखा है, हमको इसको नंबर में लिखना है। ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, सो एक्स किसका होता है, 10 का होता है, तो 30 हो गया, प्लस 5 प्लस 3, दैट इज 38। सो एक क्वेश्चन और है आपके पास, एक्स सी डबल आई, इसका हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही स्मॉल वीडियो, सब लोग पूरा एंड तक देखेंगे और इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स।